आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज ऑन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इस वीडियो में वैसे प्रश्न को लाए गए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में बने रहेंगे। इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले 3 जेंटल रिमाइंडर्स। पहला तो यह कि टीम आईएएस की तरफ से फुल लेंथ टेस्ट जो कि फ्री फॉर ऑल है वह भी चल रहा है और आने वाले सैटरडे को फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 होने वाला है और संडे को फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 होने वाला है। तो आप कृपया यह जो फुल लेंथ टेस्ट है इसमें अपीयर करें और अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करें और साथ में अपनी तैयारी को मजबूत भी करें। सेकेंड जेंटल रिमाइंडर इज कि हमारा जो मिशन फतेह है 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो मिशन फतेह के तहत जो हमारा लर्निंग ऐप है दैट इज टीम लर्निंग हब, उस पर हर दिन एमसीक्यू बेस्ड जो टेस्ट हैं वह अपलोड हो रहे हैं, वह भी फ्री फॉर ऑल हैं और अब तक कुल 123 जो टेस्ट हैं वह अपलोड हो चुके हैं। हर दिन लगभग 2 से 3 टेस्ट अपलोड होते हैं, तो आप हमारा जो मिशन फतेह के तहत जो टेस्ट टीम लर्निंग हब पर अपलोड हो रहे हैं आप उन्हें भी सॉल्व करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे YouTube चैनल अच्छा लगता है, अगर टीम आईएएस अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है दैट इज व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर टू व्हाट पीरियड। क्या यह 3 महीने से अधिक, 9 महीने से अधिक, 1 बार में 1 वर्ष या 1 बार में 2 वर्ष, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 बार में 1 वर्ष। आप याद रखेंगे कि जब भी आपातकाल की घोषणा होती है तो यह आर्टिकल 352 में इसके बारे में चर्चा है, दैट इज द नेशनल इमरजेंसी। फिर द प्रेसिडेंट्स रूल जो है जो स्टेट्स में लगता है वह आर्टिकल 356 में है और जो फिनेंशियल इमरजेंसी है वह आर्टिकल 360 में इसका प्रोविजन है। एक चीज यह भी ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 352 जो है अब तक 3 बार इसको लगाया जा चुका है और आर्टिकल 352 जो है 3 ग्राउंड पे लगता है। एक है एक्सटर्नल एग्रेशन पहला ग्राउंड है, दूसरा वॉर और तीसरा है इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन। यह 3 ग्राउंड पे जो है आर्टिकल 352 इम्पोज हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, इंटरनल आर्म रेबेलियन। यह भी ध्यान में रखेंगे कि जब आपातकाल की घोषणा होती है अंडर आर्टिकल 352 तो भारत में जो फेडरल रिलेशन है उसमें बहुत व्यापक परिवर्तन होता है और जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि राज्य सरकार पे कानून बनाती है तो वह चेंज होकर इट कुड बिकम कॉन्करेंट लिस्ट, ध्यान रखेंगे। और स्टेट लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 246 में है, इसका ध्यान रखेंगे। सो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर सी हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2, आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको यह बताना है। पहला स्टेटमेंट है धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कम शक्ति है, दूसरा स्टेटमेंट धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तीसरा स्टेटमेंट राज्यसभा को विधेयकों को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात 14 दिनों के भीतर पारित करना होता है, और चौथा स्टेटमेंट राज्यसभा धन विधेयक पारित कर सकती है, इससे सिफारिशों के साथ लौटा सकती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दैट इज बी, दैट इज द मनी बिल इज इनिशिएटेड इन द राज्यसभा। दिस इज रॉन्ग बिकॉज द मनी बिल इज नॉट इनिशिएटेड इन द राज्यसभा, रादर दिस इज इनिशिएटेड इन द लोकसभा। और यह जो प्रोविजन है आप जानते हैं कि यह आर्टिकल 109 में इसका प्रोविजन है, आर्टिकल 109 के सब क्लाउज 1 में इसका प्रोविजन है। सो देयरफॉर स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, यानी कि यह जो क्वेश्चन का आंसर भी होगा। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी याद रखेंगे कि द राज्यसभा हैज टू पास द बिल्स विद इन 14 डेज आफ्टर दे आर पास्ड इन द लोकसभा। यह प्रावधान जो है संविधान के आर्टिकल 109 सब क्लॉज 2 में है।
फिर एक चीज यह भी ध्यान रखेंगे कि मनी बिल जो है इसका प्रावधान आर्टिकल 110 में है हमारे संविधान में, इसको ध्यान में रखेंगे। सो दैट इज द आंसर, दैट इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर तीन पे आते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, आपको यह बताना है। वॉज इट टू द यूनियन लेजिस्लेचर, वॉज इट टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, वॉज इट टू द गवर्नर जनरल, और वॉज इट टू द प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू द गवर्नर जनरल, द इंडियन एक्ट ऑफ 1935, गवर्नर जनरल। एक चीज ध्यान रखेंगे कि रेसिडुअरी पावर्स जो होता है यह ऐसा पावर होता है जो ना यूनियन लिस्ट में मेंशन होता है, ना वह स्टेट लिस्ट में मेंशन होता है, नहीं जो आपको कॉन्करेंट लिस्ट है वहां मेंशन होता है। ऐसे ऐसे पावर्स या ऐसे सब्जेक्ट जिसके बारे में एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं होता है। तो रेसिडुअरी पावर जो है आज के संदर्भ में देखिए तो आर्टिकल 248 में इसका मेंशन है, और आज के संदर्भ में जो रेसिडुअरी पावर्स है यानी कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, दैट इज विद द यूनियन गवर्नमेंट। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसका ध्यान में आप इसको रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर थ्री का सही उत्तर हो जाएगा सी, दैट इज टू द गवर्नर जनरल। एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रेसिडुअरी पावर्स वर विद द गवर्नर जनरल, एज ऑफ नाउ इट इज विद द यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 248। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, एसेंट, रजिस्ट्रेशन, इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी, फॉरन सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉरन सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप है, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यह इस स्टेटमेंट को सही से डिफाइन नहीं करता है। याद रखेंगे कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, इसके तहत पांच तरीके से जो सिटीजनशिप है उसको पाया जा सकता है। पहला है बाय बर्थ, देन बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ इज बाय नेचुरलाइजेशन, एंड फिफ्थ इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, या कि या क्षेत्र का समावेश जो है उसके माध्यम से होगा। एक चीज यह भी ध्यान में रखेंगे कि जो प्रोविजन है सिटीजनशिप का, यह हमारे संविधान के पार्ट टू में है, पहली चीज। दूसरी बात है कि अगर आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल 5 से 11 के बीच में इसका प्रावधान है, दैट इज द इश्यू ऑफ सिटीजनशिप। तो इसका उत्तर हो गया ई, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर पांच पे आते हैं। सार्वजनिक कार्यालय को अवैध व्यक्ति से बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, क्या वह प्रोहिबिशन है, क्या वह मैंडेमस है, क्या वह सर्स्योरारी है, क्या वह क्यों वारंटो है, आपको यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यों वारंटो। ध्यान में रखेंगे कि क्यों वारंटो का अर्थ होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी। नाउ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इश्यू करने का अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226। नाउ इधर द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट जो है रिट इश्यू कर सकती है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, अगर मान लीजिए वह अपना जो उसका पावर का क्षेत्र है उसके बाहर जाकर अगर वो काम कर रहा है, या कोई इलीगल पर्सन है वह पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई किए है, तो इस रिट के माध्यम से द कोर्ट विल आस्क बाय व्हाट ऑथोरिटी आर यू इशूइंग द ऑर्डर्स। तो रिट का जो पावर है आप जानते हैं कि इसका इसका डी उत्तर होगा। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल 32 जो है इसको हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि 12 से 35 आर्टिकल्स के बीच में है, उनको इन्फोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 जो है बहुत ही पावरफुल मीडियम है, और हाईकोर्ट्स के पास ये पावर 226 है। प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो टूल है यह बहुत ही इफेक्टिव टूल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द राइट ऑब्लिगेशन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 14 ईयर्स एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स। वॉज इट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976? Was it by 44th Constitutional Amendment Act 1978? Was it by 86th Constitutional Amendment Act 2002? Or was it by 52nd Constitutional Amendment Act 1985? आपको इसका सही बताना है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो आया है, इसमें तीन आर्टिकल्स को ऐड किया गया। एक तो आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए, इसमें की राइट टू फ्री एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन, और यह जो है एज ब्रैकेट जो है 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए एक तो प्रोविजन ये ऐड किया गया। दूसरा आर्टिकल 45 में एक प्रोविजन ऐड किया गया जिसमें कि बच्चों के एजुकेशन के लिए, दैट इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, इनके एजुकेशन के लिए, वेलबींग के लिए। और तीसरा है आर्टिकल 51 का ए जो है, इसमें 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, और इसमें कहा गया कि जो भी पेरेंट हैं, वार्ड्स हैं, तो वह जो है बच्चों का, दैट इज इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, उनका जो है एजुकेशन और वेलबींग पर ध्यान देंगे। सो देयरफॉर 86 अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A, दैट इज रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज, 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है सी। आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसाइडेड ओवर बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर, आपको उसका सही उत्तर बताना है। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। याद रखेंगे कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वह वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पहली चीज। नाउ जो वाइस प्रेसिडेंट है वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, पहली चीज। दूसरी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलता है वह एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, दैट इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के रूप में उनको सैलरी मिलती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जो वाइस प्रेसिडेंट है इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 89 में इसके बारे में बात की, उनके बारे में बात की गई है, दैट इज रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इज ही कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इज ही स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और ही इज ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपको यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान में रखेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में प्रोविजन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 324 में है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में प्रोविजन 148 से 151 के बीच में है। एक चीज ये भी ध्यान में रखेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में जो प्रोविजन है उसमें पहला तो यह है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह आर्टिकल 52 में इसके बारे में है। आर्टिकल 53 बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं यूनियन गवर्नमेंट के, दैट विल बी अंडरटेकन बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम के संदर्भ में आर्टिकल 53 रेफर करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पीएम जो है इसके बारे में आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में भी इसके बारे में चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर डी हो गया। फिर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, इज इट करेक्ट, मे बी अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी ऑफ द लोकसभा, कैन स्पीक इन द लोकसभा, ऑल ऑफ द अबव, को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, यस, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, यस, स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, यस। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ही इज द टॉप लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह सरकार की तरफ से जो है ही कैन रिप्रेजेंटेड इन दी कोर्ट, और सरकार का कोई केस होता है तो उसको फाइट करते हैं अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल के समकक्ष जो स्टेट लेवल पे होते हैं तो ही इज एडवोकेट जनरल, और एडवोकेट जनरल जो है यह आर्टिकल 165 में इसका प्रोविजन है, सो ध्यान में रखेंगे। अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन जो है आर्टिकल 76 में है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या या बढ़ाने की शक्ति निम्नलिखित में निहित है, किसमें है, क्या वह भारत के राष्ट्रपति में है, क्या वह संसद में है, क्या वह विधि आयोग में है, या क्या वह भारत के मुख्य न्यायाधीश में है, आपको यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्लियामेंट। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, यह संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 में है, पहली चीज। दूसरी बात याद रखिएगा कि अभी जो है जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, आप जानते हैं कि जो जो द कॉलेजियम सिस्टम है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो सिस्टम है अभी भारत में चल रहा है, और जो कॉलेजियम सिस्टम है इसकी शुरुआत जो है यह है सेकेंड जजेस केस,
सेकेंड जजेस केस जो है यह 1993 में हुआ था और तब से जो है आपको कॉलेजियम सिस्टम हैज बीन वर्किंग सिंस 1993, सो देयरफॉर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज बाय पार्लियामेंट। एक चीज यह भी ध्यान में रखेंगे कि जजों को जो हटाया जाता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजेस दैट इज आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, और इसमें दो ग्राउंड है। पहला तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर पाया गया जजों में पहला यह है, और दूसरा है इनकैपेसिटी। यह है दो प्रोविजन संविधान में दिए गए हैं, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी, इसका ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, द अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर विदड्रॉइंग फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इज ही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज ही द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इज ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इज ही द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आपको इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस चीज ध्यान में रखेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है यह संविधान के आर्टिकल 266 में इसका प्रावधान है, और जो यह है जो फंड है दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है, तो कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड दैट इज अंडर आर्टिकल 267, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव की तारीख की घोषणा कौन करता है? क्या वह भारत के निर्वाचन आयोग है, क्या वह राज्य के निर्वाचन आयोग है, क्या वह मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है, या क्या वह राज्य का राज्यपाल है? आपको इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। इसको ध्यान में रखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वह संविधान के आर्टिकल 243 सब क्लॉज के में है, पहली चीज। दूसरी बात है कि पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था दैट वाज थ्रू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इस चीज का ध्यान में रखेंगे। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि बिहार पंचायती राज एक्ट जो है यह 2006 में आया था, यह क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे। और बिहार म्युनिसिपल एक्ट जो है 2007 में आया है, इसको ध्यान में रखेंगे। बीपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चंस में इसको पूछा जा सकता है, सो देयरफॉर स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस एज वेल, इज इट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इज इट राइट टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इज इट द राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी और इज इट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। को बताना है कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो नॉन सिटीजंस के पास भी अवेलेबल हैं। इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज आर्टिकल 32 जो है यह नॉन सिटीजंस के पास भी है, दैट इज एलियंस के पास भी है। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो नॉन सिटीजंस एलियंस के पास नहीं है, दैट इज आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, फिर वोटिंग का राइट, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं, तो वहां पर जो एलियंस हैं या जो नॉन सिटीजंस हैं, दे कैन नॉट ऑक्यूपाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, से फॉर एग्जांपल द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सो ऑन। और ये सारे आर्टिकल्स जो हैं यह एलियंस या नॉन सिटीजंस के लिए अवेलेबल नहीं है। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यह अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज, आपको यह बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल एम सिंघवी कमेटी। प्लीज अंडरस्टैंड कि एल एम सिंघवी कमेटी जो है यह 1986 में बनी थी, पहली चीज। बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना जो है यह 1956 में हुई थी, और इस कमेटी ने 3-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही 1959 में सबसे पहले पंचायत की स्थापना नागौर में, जो कि राजस्थान में है, वहां पर हुआ था, इसका ध्यान में रखेंगे। एक चीज यह भी ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज के बारे में प्रोविजन जो है हमारे संविधान में दो जगह क्लियरली मेंशन है, वन इज आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी के तहत आता है, और दूसरा आर्टिकल 243 यहाँ पे भी चर्चा है। और आप जानते हैं कि पंचायत जो है यह 3-tiered बॉडी होती है,
सो इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ टू मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाज डिसकंटिन्यूड। वाज इट 104th, वाज इट 103rd, वाज इट 105th और वाज इट 106th। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो सही इसका सही उत्तर है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो नॉमिनेशन का प्रावधान था इसको हटा दिया गया है, दैट इज 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इज इट फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इज इट थ्रू लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम द बाउंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और इज फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन लॉ। बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि दल बदल विरोधी कानून जो है यह हमारे संविधान के 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में इसको लाया गया, यह पहला पॉइंट है। दूसरा ध्यान रखेंगे कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जो है इसमें परिवर्तन किया गया, और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यह संविधान के 10th शेड्यूल में इसके बारे में चर्चा है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का डी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छे लगे होंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की हाई पॉसिबिलिटी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मीटिंग शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।